Hello students, welcome to our online platform CBC शिक्षा. आई एम योर ट्यूटर रिया सिंगला. तो आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की 14th क्लास लेने जा रही हूँ आपकी. तो इसमें मैं आपको जो वो एरर्स के प्रनाउन करवाया था जो आपको लास्ट 2 डेज में, तो आज मैं उसकी 3rd क्लास प्रनाउन के ही एरर्स आपको करवाऊँगी. क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है कि जो जो मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी उसके बाद मैं उसके एरर्स आपको ज़रूर करवाऊंगी, ताकि आपको क्लियर हो जाए प्रॉपरली कि हम कि क्या चीज़ क्या हमने पढ़ा है और उसका हमें क्या क्या बेनिफिट हुआ है. क्योंकि मोस्टली आपको एरर्स ही आते हैं पेपर में, ठीक है? तो आपके एरर्स वहाँ पे आपके जो थोड़े बहुत डाउट्स होते हैं तो आपके एरर्स में क्लियर होने शुरू हो जाएंगे कि कैसे कैसे कि एरर्स आते हैं एग्ज़ाम्स में और इसको हमने कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट एरर से. इट इज़ नॉट आई हु इज़ टू बी ब्लेम, नो एरर. आपके पास 3 सेकेंड्स होंगे इसको मुझे कमेंट करने के लिए कि इनमें से क्या एरर है, ठीक है? आपने ट्राई करनी है कि आप जल्दी से जल्दी मुझे रिप्लाई करें जितना हो सके, ठीक है? तो बताइए इसमें क्या एरर है, कि इसमें क्या आएगा. बताओ जल्दी स्टूडेंट, इसमें क्या आएगा? इसमें इस की जगह क्या आएगा? एम. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? हु. जिन बच्चों ने मेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास प्रॉपर देखी है तो उनको पता होगा हु. अगर हु एक एंटीसीडेंट है तो उसके पहले जो भी वर्ड आएगा वो उसी हिसाब से ही होगा. मतलब रिलेटिव प्रनाउन के हिसाब से जो भी इसका एंटीसीडेंट होगा तो उसके हिसाब से आपका वर्ब आएगी आपकी, ठीक है? आपका एंटीसीडेंट मैच होना चाहिए आपके रिलेटिव प्रनाउन के साथ, ठीक है? जो वर्ब है ना रिलेटिव प्रनाउन की, तो वो आपकी एंटीसीडेंट्स के साथ मैच होनी चाहिए, ठीक है? जैसे आई के बाद हु क्या है? आपका एंटीसीडेंट है, तो हु वर्ब भी आपकी इसके रिलेटेड ही आएगी, ठीक है? क्लियर हो गया सबको? जिन जिन बच्चों को कोई भी डाउट है प्रनाउन में या जो ऑलरेडी मैं आपकी क्लासेस ले चुकी हूँ उसमें कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको उसका सोल्यूशन वगैरह दे सकूँ, ठीक है? आगे चलते हैं सेकेंड वन पे. जॉन आई एंड हैरी हैव अ फिनिश्ड आर स्टडीज, नो एरर. आपके पास 3 सेकेंड्स हैं, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसमें क्या एरर है. बताइएगा इसमें क्या एरर है. 3 सेकेंड्स तो बिल्कुल ही जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो क्योंकि आपके पास आप मैक्सिमम टाइम अपने जो एरर्स हैं उस पर 3 to 4 ही लगाने हैं. वैसे तो 2 to 3 ही सेकेंड्स आप लगा सकते हैं, बट अगर आप लगाना चाहते हैं तो 3 to 4 सेकेंड बहुत ज़्यादा हैं अगर आप लगा रहे हो, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होता एग्ज़ाम कंप्लीट करने में, ठीक है? तो आप अपनी स्पीड जरूर बढ़ाओ, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, तभी आपको स्कोर आप अच्छे कर पाओगे, ठीक है? इसलिए मैं आपको उस हिसाब से टाइमिंग देती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कर सकें, ठीक है? बताऊँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, एरर क्या है इसमें, दिस वन. क्यों? क्योंकि हम मैंने आपको जो फर्स्ट सबसे पहला हमने प्रनाउन किया था पर्सनल प्रनाउन, उसमें आपको बताया था कि जो भी वर्ड अगर आपका जो आपके पर्सनल प्रनाउन की जब जहाँ आपके पर्सनल प्रनाउन की बात हो तो जो आपकी चीज़ होगी वो आपकी 2, 3 एंड 1 की फॉर्म में होगी. जहाँ पे अगर आपको इसमें कोई नेगेटिविटी की बात ना दर्शाई जा रही हो तो वो आपके 2, 3 की फॉर्म में उस हम जो वर्ड है उसको हम 2, 3 सेंटेंस को 2, 3, 1 की फॉर्म में लगाएंगे. कि पहले जैसे सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड 1 पर्सन. अब सेकंड पर्सन जिसमें कोई नहीं है, जॉन आई एंड हैरी, एक तो फर्स्ट पर्सन है जॉन एंड हैरी, ये थर्ड पर्सन हो गए, ठीक है? तो इसमें क्या आएगा? जॉन हैरी एंड आई. अगर आप आई पहले लगा देते हो या सेकंड पोजीशन पे लगा देते हो, अगर आप ऐसे लगा रहे हो 2, 1, 3, तो ये भी आपकी फॉर्मेशन गलत है. अगर आप 2, 3 लगा रहे हो तो भी ठीक है, 3, 1 लगा रहे हो तो भी ठीक है. 1, 3 नॉट करेक्ट, 2, 1 नॉट करेक्ट,
आप इन फॉर्मेशन में ही लगा सकते हो, ऐसे नहीं है कि पहले आप 1 2 3 लगा दो तो फिर फर्स्ट पर्सन, तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है, मोस्टली 2 3 1 की फॉर्म में ही आपने अपने सेंटेंस को लिखना है, क्योंकि अगर आपकी कोई नेगेटिविटी नहीं दर्शा रही है कि हाँ कोई नेगेटिविटी नहीं आपको फील हो रही है, तो उसको अपने 2 3 1 की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलें आगे, क्लियर हो गया। और जो बच्चे 1 2 3 की फॉर्म में लिखेंगे उनका डाटा गलत हो जाएगा, उनका सेंटेंस गलत हो जाएगा लिखना, ठीक है। चलते नेक्स्ट वन पे। द कंपनी इज इन डेब्ट डेट डेप्ट एंड हैज़, इसको डेट भी बोलते हैं डेप्ट भी बोलते हैं, कई बार कई लोग इसको बी को साइलेंस बोलते हैं, एंड हैज़ बिन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉय सैलरीज फॉर द पास 6 मंथ्स, नो एरर। अब आपने इसमें से मुझे फटाफट बताना है कि क्या एरर है, जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि इसमें क्या एरर है। बताऊँ इसमें क्या एरर है, देयर देयर की क्या जगह क्या लगेगा, इट्स क्यों लगेगा। द कंपनी इज इन डेब्ट एंड हैज बिन अनेबल टू पे इट्स एम्प्लॉय सैलरी फॉर देयर पास 6 मंथ, देयर की जगह क्या आएगा, इट्स आएगा। मैं शायद आपको नहीं दिख रही है ना उस साइड से, देयर की जगह क्या आएगा, इट्स आएगा। क्यों आएगा इट्स, क्योंकि जो कंपनी है वो क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। अगर सिंगुलर नाउन है तो इसमें जो पोसेसिव है इसमें पोसेसिव केस लगेगा, तो इसमें इट्स लगेगा, पोसेसिव केस में सिंगुलर सिंगुलर पोसेसिव केस लगेगा। अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो जो आपका केस लगेगा वो भी सिंगुलर ही लगेगा। और दूसरी बात, क्योंकि ये कंपनी नॉन लिविंग थिंग्स है, इसके साथ हम इट्स लगा सकते हैं, ठीक है। और पता है क्या, मैंने अगर जब मैं एरर बना रही थी ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब मैं एरर बना रही थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ देखी है, बहुत सारी चीज़ को नोटिस किया है कि जो मेरा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पहले करवाने का डिसीज़न था वो बहुत ही ज़्यादा सही था, कि जो बच्चों ने मेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास देखी है तो वो बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, बहुत 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 ज़्यादा। अगर मैं आपको इतना बहुत बहुत कह रही हूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है, ठीक है। क्योंकि एक पूरा प्रॉपर एक चीज़ पर ना उनमें थी कि आपको पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका पूरा उसमें घूम रहा था, मोस्टली पर ना उनमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यूज़ हुआ है जहाँ जहाँ मैंने आपको करवाया है, ठीक है। बट अगर आपने नहीं देखी प्लीज़ CBC शिक्षा पे जाके एक बार, मैं आपको कंपेल नहीं कर रही बट आपके बेनिफिट के लिए, कि आपको बेनिफिट हो उस चीज़ का, तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखो, कि मैंने बहुत अच्छे से बहुत क्लियर वे में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाया है। इसका ये मतलब समझना कि मैं अपनी प्रमोशन कर रही हूँ, नहीं, बट आपके बेनिफिट के लिए मैं आपको कह रही हूँ कि प्लीज़ एक बार, सिर्फ एक बार आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वो क्लास देखो, आपको बहुत चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको करवाई हैं, आपको बहुत चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी अब आगे 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 जब आप करते जाओगे, तो प्लीज़ एक बार जाके जरूर चेक करना। अब देखो, जो ये पीछे मैंने एंटीसीडेंट करवाया, एंटीसीडेंट ये हु है, ये भी मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करवाया है, ठीक है। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो उसके साथ हम ऐसे एंटीसीडेंट लगाते हैं, तो वो किसके डिपेंड करता है, रिलेटिव प्रोनाउन के रिलेट करता है। अब ये देखो, अभी आप आगे भी आएंगे, जैसे इट्स है, कई बच्चों को पता नहीं कि ये सिंगुलर है, कई बच्चों को लगेगा कि एस लगा है तो ये प्लूरल है, बट नहीं, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने पूरा उसका चार्ट बनाया हुआ है कि कौन वर्ड्स कौन से हैं, इनमें से कौन सा सिंगुलर नाउन है, कौन सा प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, मैंने बहुत अच्छे से चार्ट बनाया हुआ, एक बार प्लीज़ विजिट कीजिएगा, ठीक है। इसमें समझ में आ गया। फोर्थ पे चले। द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर,
नो एरर, 3 सेकेंड यू हैव टू टेल मी विच वन इज करेक्ट। इसमें पहली बात तो दो एक ही चीज़, एक बार में दो चीज़ों की बात की हुई, मतलब दो चीज़ों की एक सेंटेंस में बात की है कि जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है उतने ही रोड पे चलते हैं, और उससे ज़्यादा तो बैंगलोर की रोड्स पे चलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम नाउन को रिपीट नहीं कर सकते, हम नाउन को रिपीट नहीं कर सकते, है ना। इसलिए हम इसकी जगह क्या लगाएंगे, बार 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 व्हीकल्स ऑफ को रिपीट करने के बदले हम उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, देन की जगह दैट ऑफ। क्या यूज करेंगे, दैट ऑफ। बार बार हम व्हीकल्स को यूज नहीं कर सकते, बार बार हम व्हीकल्स को यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम उसकी जगह क्या लगाएंगे, देन की जगह दैट ऑफ। ठीक है, बहुत सी अच्छी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सिंपल सोबर सा मैंने आपको करवाया है, तो ध्यान से देखिए इन चीज़ों को। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वन पे, फिफ्थ वन पे। मैनी अ स्टूडेंट हैव पास द IIT एग्जामिनेशन, नो एरर। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये भी मैं आपको बताऊं, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिलेटेड है, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिलेटेड है। तो प्लीज़ मैं तभी आपको कह रही हूँ, एक बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बार जाके देख लो तो आपको सच में बहुत बेनिफिट होगा। अब आगे आगे देखो, मैं आपको जो जो करवाऊंगी मैं भी उसमें भी आपको यूज़ हो। अगर अब मैं जैसे पर अब आगे जो मैं चीज़ करवाऊंगी वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, हर चीज़ में, क्योंकि इंग्लिश तो ऐसी चीज़ है कि जो जो टॉपिक कोई भी टीचर करवा रहा है, कोई भी टीचर करवा रहा है, वो आपके थ्रू आउट एक दूसरे से लिंक है, वो थ्रू आउट आपकी इंग्लिश में किसी में भी काम आ जाती है। ठीक है, टेंस है, अब आपको टेंस करवाए हैं, देखना भी अब टेंस की फॉर्मेशन पता चलेगी। जो मैंने जैसे आपको कल इंटरोगेटिव सेंटेंस करवाया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन करवाया था, उसमें टेंस की फॉर्मेशन बताई थी, इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन बताई थी। अगर इंटरोगेटिव हो तो उसमें कैसे क्या लगता है अगर WH वर्ड्स हो। ठीक है, इसलिए हर चीज़ एक दूसरे के साथ मिक्स है, हर चीज़ एक दूसरे के साथ लिंक है इंग्लिश ग्रामर में। तो ठीक है, इसमें बताऊँ क्या एरर है, हैव की जगह क्या आएगा, हैल। अब आप कहोगे मैम मैनी है, मैनी मुझे पता है प्लूरल है, बट जो ए स्टूडेंट है वो क्या है, सिंगुल। मतलब ए स्टूडेंट की बात हो रही है, मतलब एक स्टूडेंट की बात हो रही है, अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की बात हो रही है इसमें। मतलब यहाँ पे मैनी अ स्टूडेंट, अगर आता मैनी स्टूडेंट्स आ जाता, ठीक है, तो हैव चल जाता। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, मैनी अ स्टूडेंट, मैनी एक स्टूडेंट की ही बात हो रही है, मैनी में एक स्टूडेंट की बात हो रही है, मैनी स्टूडेंट्स आ जाते तो हैव लग जाता, बट यहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज़। ठीक है, ये आपकी वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आ सकती है चीज़। ठीक है, पता चल गया, क्लियर हो गया। अगर देखो, वन शुड कीप हिज प्रोमिस प्रोमिस इफ वन वांट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स एंड एनिमीज, नो एरर। बताइए इसमें क्या एरर है, मैंने आपको कल वो करवाया था ना, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ये वही चीज है, वन का पोसेसिव आएगा यहाँ पे, इफ वंस पोसेसिव आएगा, पोसेसिव केस आएगा कि वन का वंस आएगा। ठीक है, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस इफ वंस वॉन्ट्स टू, अब वन दोबारा दोबारा रिपीट नहीं कर सकते ना हम। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वंस वॉन्ट्स रिस्पेक्ट आएगा, वंस आएगा, ONE हैश, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तभी कहूँ कुछ गड़बड़ लग रही है, इसकी जगह आएगा, अभी मैं बोल के भी हटी हूँ, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, हिज नहीं आएगा, वंस आएगा वहाँ जगह। मैं सेम टू सेम आपको कल सेंटेंस करवा के भी हटी हूँ, सॉरी वो एक्चुअली वो थोड़ा कन वो हो गया, मैं तभी कहूँ सेंटेंस बन नहीं रहा कुछ। ठीक है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, हिज की जगह क्या आएगा, वंस आएगा, क्योंकि वो वन को हम वन का पोसेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है,
इसलिए इसलिए वन का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, वंस। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। चले आगे, जिन जिन बच्चों को किसी भी चीज में दिक्कत है प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा। आगे है, लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड अ वेरी मच, नो एरर। अब आपने इसमें मुझे बताना है कि क्या एरर है। एटली आपके पास 3 सेकेंड्स हैं, फटाफट फटाफट बताइए। और जो जो मैं आपको करवा चुकी हूँ प्लीज़, अगर आपको किसी चीज़ में भी दिक्कत है, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे 10 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाउन की क्लासेस नहीं देखी है वो भी जाके देख लो। और ये आज पर नाउन की लास्ट क्लास है, क्योंकि आपको पता है जो बच्चे मेरे मुझे डेली फॉलो करते हैं उनको तो पता है कि मैम जब एरर करवाते हैं तो मतलब वो उसकी आखिरी क्लास होती है, मतलब इससे पहले मैं पर नाउन आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए, आपके पास सिर्फ 3 सेकेंड्स ही होते हैं बताने के लिए। बताऊं क्या आएगा, इंजॉय के बाद क्या आएगा, माय सेल्फ। जैसे क्यों, लास्ट समर आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, माय सेल्फ। वेंट टू शिमला एंड इंजॉयड माय सेल्फ। अब देखो इसमें इंजॉय के बाद अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट ना हो, नहीं है ऑब्जेक्ट, तो इसलिए इसकी जगह क्या यूज़ होगा, इसलिए इसकी जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा। ठीक है, सेम एग्जांपल मैंने आपको कल करवाई थी ना, कि जहाँ पे इंजॉय के बाद कहते हैं, कई बार आपको ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो। ठीक है, अगर आपका है उसमें क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपको इतनी नीड नहीं होती, बट अगर नहीं है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि प्लीज़ आप हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ तो दो, ताकि हम इस सेंटेंस को प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना सकें। ठीक है, सेम एग्जांपल मैंने आपको दी थी, और ये आप इंजॉय वाला एक बार प्लीज अच्छे से नोट कर लो कहीं जगह, ये आपके ये वाला क्वेश्चन जो मतलब ये जो एरर है आपके आने के बहुत चांसेस है, क्योंकि मैंने बहुत से नोटिस किया है, बहुत जगह से नोटिस किया, इंजॉय वाला का इंजॉयड का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आज से वो मांगता ही मांगता है। ठीक है, इसको स्पेशली इसको नोट कर लो, जो मैं आपको कहूँ, जो मेरा मन कहता है ना, मेरे बहुत सारा टाइम के एक्सपीरियंस है, जो मैं मतलब कह देती हूँ ना इम्पॉर्टेंट, वो एक्चुअल में पेपर में आता ही आता है, क्योंकि एक्सपीरियंस कहते हैं ना मैटर करता है। आगे देखो 8th क्वेश्चन, माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग, नो एरर। अब आपके पास 3 सेकेंड है, बताओ कि क्या आएगा। जो बच्चों ने मेरी कल लास्ट क्लास देखी उनको तो पता चल ही गया होगा कि क्या एरर है, उनको तो डेफिनेटली पता चल गया होगा कि एरर है क्या, क्योंकि कल ही मैं इस चीज़ को समझा के हटी हूँ, क्योंकि कल ही मैं इस चीज़ को समझा के हटी हूँ कि इसका क्या एरर है इसमें। और जो बच्चा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की काउंसलिंग लेना चाहता हो, मटेरियल लेना चाहता हो, मैं आपको आज एक अच्छी सी डील बताने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहिए क्लास में, ताकि आप ये चीज़ देख सको। ठीक है, चलो बताऊँ, माई सेल्फ, माई सेल्फ की जगह क्या क्या आए, क्योंकि माई सेल्फ हम कभी भी एज अ सब्जेक्ट यूज़ नहीं करते। कल मैंने बताया था ना कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, आई माई सेल्फ, कल सेम एग्जाम्पल कराई थी ना, आई माई सेल्फ इंजॉय द पार्टी, कल मैंने सेम एग्जाम्पल कराई थी ना, क्योंकि आई तो क्या बन गया हमारा, मेन सब्जेक्ट बन गया, तो सब माई सेल्फ हमारा कहीं बीच में आ गया। कल मैंने आपको सेम एग्जाम्पल करवाई थी ना, ये सेम टू सेम है ना, ये वही चीज़ है कि आई माई सेल्फ कभी भी मेन सब्जेक्ट, कि माई सेल्फ कभी भी मेन सब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक है, इसलिए हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, आई एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग, नो एरर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। जिन जिन बच्चों को नहीं क्लियर हुआ वो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, तो वो मैं आपको समझा दूंगी कि कैसे क्या है। ठीक है,
चले आगे. इट वॉज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट. नो एरर. इट वॉज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट. नो एरर. बताइए अब इसमें क्या है एरर. इसमें अब एरर बताओ क्या है. आपने मुझे बताना है कि इसमें एरर क्या है. आपके पास सिर्फ 3 सेकेंड होते हैं बताने के लिए कि इसमें एरर है क्या. बताऊं इसमें क्या एरर है. दैट दैट की जगह हम क्या यूज़ करेंगे. वेन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे. वेन कि कब. जब हमने 2006 था जब हमने फर्स्ट टाइम फ्लू किया था यूनाइटेड स्टेट के लिए. ठीक है तो टाइम के साथ वेन आएगा. मैंने कल भी ये आपको बताया था ये चीज़. चले आगे 10th पे. नीदर ऑफ द टू फ्रेंड हैज़ गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंपनी. नो एरर. अब इनमें से बताना है आपने क्या है सही क्या नहीं. नीदर ऑफ द टू फ्रेंड हैज़ गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंपनी. नो एरर. जिन बच्चों ने कल की क्लास देखी है वो तो पता चल ही गया उनको क्या एरर है. 3 सेकेंड्स होते हैं बेटे फटाफट किया करो ताकि आपकी थिंकिंग लेवल और एरर की स्पीड बढ़े कि ताकि आप एरर को एकदम फाइंड करना शुरू कर दो. जिन जिन बच्चों को क्लियर है वो तो चीज़ें फटाफट कर लेगा. जिन जिन बच्चे को नहीं क्लियर वो एक बार जाके पीपीटीज को देखो ध्यान से. नोट्स बनाओ अपनी लैंग्वेज में देन फिर देखो क्या एरर है. क्या आएगा. हिज. क्यों आएगा. नीदर ऑफ द टू फ्रेंड. मैंने आपको बोला था कि नीदर ऑफ के बाद जो हम यूज करेंगे नाउन या प्रोनाउन वो क्या होगा. प्लूरल होगा. ठीक है. एक तो ये चीज थी. बट जो वर्ब होगी वो क्या होएगी. सिंगुलर होएगी. और जो प्रनाउन होगा वो भी क्या होगा. सिंगुलर होगा. अब आप बोलेंगे मैम अभी तो आपने बोला नाउन और प्रनाउन प्लूरल होंगे बट वो क्या होंगे. आफ्टर नीदर ऑफ के बाद जो भी आएगा वो नाउन और प्रनाउन प्लूरल होंगे बट जो वर्ब के बाद प्रनाउन आएगा वो सिंगुलर होगा. अब ये देखो इसके बाद आ रहा है वर्ब के बाद आ रहा है इसलिए यहाँ पे देयर की जगह क्या यूज होगा. हिज. सिंगुलर प्रनाउन यूज होगा. ठीक है. क्लियर हो गया. ये चीज़ें तो बहुत आसान है आपको तो 1 सेकंड में क्लियर हो जाएंगी. क्लियर हो ही रही होंगी वैसे. नेक्स्ट पे चलते हैं. माई हाउस. माई हाउस इज फार्दर देन हर्स. नो एरर. थ्री सेकेंड यू हैव टू डू. विच वन इज करेक्ट. वन टू एंड थ्री. तो देखो बेटे इसमें हर्स की है. मैंने आपको कल बताया था ना कि HERS लिखना गलत है. पोस्ट ऑफ ईयर्स के साथ एस लिखना गलत है. हम हर्स को इकट्ठा लिखते हैं. HERS HER पोस्ट ऑफ ईयर्स लिखना फॉर्मेशन गलत है इसकी इसलिए हम HERS ही लिखते हैं. ठीक है. क्या लिखते हैं हम. HERS हर्स. ठीक है. आगे चलो 12th पे. इट इज़ द बेस्ट विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउन ट्रोडन. नो एरर. इट इज़ द बेस्ट विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउन ट्रोडन. नो एरर. अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या आएगा. 3 सेकेंड्स होते हैं बेटे ध्यान से देखो ध्यान से फटाफट फटाफट करो इसलिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो. ठीक है. इंग्लिश जो बच्चे इंग्लिश वो कैप की क्लास या स्पेलिंग एरर की क्लास नहीं देख रहे हैं
वो भी प्लीज़ जाके इंग्लिश ग्रामर और स्पेलिंग एरर की क्लासेस भी देखा करो, वो भी आपको बेनिफिट है, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश जो ग्रामर में वोकैब में और जो एंटोनियम्स सिनोनिम्स भी बीच में करवाती हूँ, और जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं ना वो मैं आपको स्पेलिंग एरर में बहुत सारे करवाती हूँ, ठीक है? बताऊँ इसमें क्या एरर है, विच की जगह क्या लगेगा दैट, क्यों? क्योंकि जो बेस्ट है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, बताया है सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री के साथ हम क्या लगाते हैं दैट, ठीक है? सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या लगाते हैं दैट। चले आगे, देर वॉज नो लव लॉस्ट बिटवीन द ट्विंस एंड दे कुड नॉट सी आई टू आई विद वन अनदर। ये तो बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बताओ कौन सा सही है, कोई एरर है या नहीं है इसमें? वैसे मुझे लग रहा है कि इसमें कोई एरर ही नहीं है, जो बच्चों को लग रहा है एरर है वो मुझे कमेंट कीजिए, और जिन बच्चों को पता चल गया है एरर क्या है वो भी कमेंट कीजिए, जिनको लगता है कि एरर तो कुछ तो है एरर बट हमें समझ नहीं आ रहा एरर क्या है वो भी कमेंट कीजिए, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट है, अप्रिशिएट करती हूँ मैं उस बच्चे को भी, हाँ ये एटलीस्ट वो उनको उसको पता तो चल गया कि एरर है इसमें। बताऊँ वन एन अदर की जगह क्या आएगा, ईच अदर, मेरे हिसाब से तो ईच अदर ही आएगा। अब आप बताओ क्यों आया ईच अदर, क्योंकि ईच अदर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, सिर्फ दो लोगों के लिए, और वन एन अदर हम क्या करते हैं, मोर देन टू लोगों के लिए, मोर देन टू लोगों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वन एन अदर, ईच अदर हम सिर्फ दो लोगों के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है, ट्विंस मतलब दो लोग, दो पर्सन, ठीक है? आगे चलें 14th पे, मैनी वुमेन रिकनसाइल टू द डिमांड्स ऑफ देयर इन लॉज, नो एरर, 3 सेकेंड यू हैव टू डू दिस, ठीक है? जल्दी बताओ इसमें क्या आएगा, इसके बाद रिकनसाइल के बाद क्या आएगा, देमसेल्व्स, क्यों आएगा? क्योंकि रिकनसाइल के बाद हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, रिकनसाइल के बाद हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है? ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? जिन बच्चों को नहीं कुछ समझ में आ रहा वो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा कि क्या है। अब देखो, बिसाइड मी मैनी अदर वर प्रेजेंट, प्रेजेंट नो एरर, बिसाइड्स मी मैनी अदर वर प्रेजेंट नो एरर, ध्यान से इसको देखना और मैच करना, हमने अभी मैनी वाला एक और किया है, मैनी अब इसमें क्या शो कर रहा है, प्लूरल, तो अदर की जगह क्या आएगा, अदर्स आएगा, क्यों? क्योंकि हम पहले हमने जो लिखा था मैनी अ स्टूडेंट हैज डैश डैश, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट की बात हो रही थी, अब यहाँ पे मैनी है, अकेला है, मैनी का मतलब क्या आता है, ज्यादा लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा, अदर्स, प्लूरल फॉर्म आएगी, ठीक है? क्लियर हो गया सबको? जिन जिन बच्चों को किसी भी चीज़ में अभी तक जो मैंने आपको पीपीटीज करवाई हैं वो देख लीजिएगा, और मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि हम लोग अपनी सीबीएसई शिक्षा में क्या कर रहे हैं, सेल लगा रहे हैं,
जो हाँ पे हम आपको सारे ऑनलाइन जो कोर्स है हमारे उसको आपको डिस्काउंट में देंगे, ठीक है। अप टू 80% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये 2 डे सेल होगी जो सबसे महा मेगा सेल होगी कह सकते हो आप, क्योंकि इसमें आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, 9522952232 पे, ठीक है। अगर आपको वैसे भी कोई क्वेरीज होती है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं हमें, ठीक है। ये जो सेल है वो आपको आएगी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको ये सेल आ जाएगी हमारे जो साइट है। तो वहाँ जाके आप हमें कॉल कर सकते हैं, वहाँ जाके आप विजिट करके हमें कॉल करके पूछ सकते हैं किसका क्या प्राइस है, कुछ भी, ठीक है। आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। प्लीज़ इस जो ये आपको ऑफर मिली है इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठाओ, ठीक है। इसमें आपको हेल्प मिलेगी ताकि आपके अब एग्ज़ाम आ रहे हैं जो बच्चों के, उनमें आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, थैंक यू।